जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से भारतीय बाजार लगातार जो है ग्लोबल मार्केट्स की वजह से गैप अप ओपन हो रहे हैं और एंड में जाके डेज लो के आसपास बंद हो रहे हैं। FIs जो है 3 बजे के बाद काफ़ी अच्छी सेलिंग का एक प्रेशर जो है वो दिखाते हैं। अगर हम भारतीय बाज़ारों में बात करें आज भी बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं अभी इंडियन मार्केट्स में, स्पेशली हमारे बाज़ार के लिए। तो इसका किस तरीके से इम्पैक्ट जो है हमें आगे आने वाले दिनों में कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है, किस तरीके से हम लोग जो है आगे जो है ट्रेंड जो है वो पकड़ सकते हैं और मंथली एक्सपायरी में किस तरीके से जो है हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, तो इसका हम लोग जो है वो सारा सिनेरियो जो है वो चेकअप करने वाले हैं आज के दिन में। कल के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, क्या हमारा एनालिसिस कहता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और US में क्या हुआ और आगे क्या सिचुएशन बन रही है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करता हूँ तो ग्लोबल मार्केट्स आज के दिन जो है फ्यूचर्स आपको उतना अच्छा रुझान जो है वो नहीं दिखा रहे होंगे, बट नैसडैक कल लगभग 2% ऊपर जो है वो बंद हुआ था, डाओ 300 पॉइंट ऊपर जो है वो बंद हुआ था और शानदार तेज़ी अमरीकी बाज़ारों में हमें देखने को मिली थी। कल यूरोपियन मार्केट्स भी 1 से 1.5% ऊपर थे। एशियन मार्केट्स कल मैंने आपको दिखाया था, हांगकांग लगभग 2.5% ऊपर था और बाकी ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छे खासे रुझान में थे। आज उतना जो है वो फॉलो थ्रू नहीं मिल पाया, स्पेशली एशियन मार्केट्स को, क्योंकि जिस हिसाब से US बंद हुआ था उसके मुकाबले एशियन मार्केट्स में भी वो फॉलो थ्रू नहीं आया। क्योंकि अभी आप देखो एशियन मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट है, निकेई तो लगभग 0.5% नीचे है। बाकी अगर हम यूरोपियन मार्केट्स को देखते हैं तो वहाँ भी कुछ अच्छा सिनेरियो नहीं दिख रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि इस वक्त जो है कल US में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आया था जो 10 बेसिस पॉइंट नीचे आया था, मतलब 117 का एक्सपेक्टेशन था, आया लगभग 106 के आसपास। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी के ऊपर पड़ने की प्रोबेबिलिटी है और जॉल्ट नंबर, जॉब ओपनिंग जो नंबर होता है, वो भी 1 मिलियन के आसपास कम आया था। तो ये दोनों नंबर कम आने की वजह से क्या हुआ अराउंड द ग्लोब के US मार्केट के जितने भी एक्सपर्ट्स थे, जो US मार्केट का रिएक्शन आ रहा था वो ये दिखा रहा था कि इससे अब फेड और रेट हाइक नहीं करेगा। बट ऑन द काउंटर साइड जो बियर साइड है उनका ये इसमें बयान है या ये इनकी सोच है जो बियर पोजीशंस होल्ड करते हैं, जैसे वन ऑफ द बिग बियर्स माइकल बरी, उन्होंने क्या बोला कि ये डेटा जो है रिसेशन की तरफ जो है वो लेके जा रहा है। तो अब इसमें टसल चल रही है ग्लोबली इस चीज़ के ऊपर और आज हमारे मार्केट ने सेकंड हाफ में जो है एक बहुत ही शार्प रिएक्शन दिया, मतलब आई थिंक काफ़ी दिनों बाद एक ट्रेंडिंग मूव मिला, एक शार्प ट्रेंडिंग मूव मिला। निफ्टी में आपको जो है लगभग 100 पॉइंट मिले, बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो लगभग जो है टॉप से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें तो 400 पॉइंट का एक बहुत प्यारा फॉल जो है हम लोगों को देखने को मिला। लेवल्स को हम किस तरीके से प्ले कर सकते थे, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अभी तक अडानी सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, कब सुनवाई होगी, कैसे होगा, कुछ अपडेट नहीं है, तो वो सवाल आप मेरे से मत करिएगा। कुछ भी अपडेट होगा मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप फ्री ग्रुप है, कोई चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है, आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है, कोई अच्छे चार्ट होते हैं, सेटअप वगैरह होता है, वो मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने लेवल शेयर किए थे, सुबह गैप अप हो गया था, सब लोग जो है ओवरली बुलिश हो गए थे, ठीक है। ओवरली बुलिश हो जाते हैं तो बुलिश ट्रेड मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक लेवल्स दिए थे फॉर निफ्टी, 19,450-19,475 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, फ्रेश बाइंग मोमेंटम वुड इमर्ज अबव दिस लेवल ओनली, ठीक है। बैंक निफ्टी में 44,850-885 आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया दिया था, इसके ऊपर ही फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा। पूरे दिन ना निफ्टी ने वो लेवल निकाला, ठीक है, और ना ही बैंक निफ्टी ने, तो इसके ऊपर ही फ्रेश बाइंग मोमेंटम मैंने क्यों बोला था, क्योंकि डेटा वाइज अगर आप देखो ओपनिंग पर आई थिंक आफ्टर हाफ एन आवर ही दिख गया था कि डेटा में कॉल राइटिंग काफ़ी अच्छी हो रही थी,
निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो हायर लेवल्स पे कॉल राइटिंग हो रही थी, तो अगर ये लेवल्स निकलते तो ये सर्टेन शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करने की प्रोबेबिलिटी रखते थे, तो इस वजह से हम लोगों को एक अच्छा ट्रेंड ऊपर की साइड का मिलता है। इसके ऊपर हम 50-60 पॉइंट का एक टारगेट जो है वो अचीव कर सकते थे इन स्पॉट, तो वो अपने को नहीं मिला तो हमने थोड़ा अवॉइड करा बुल साइड को। अब शॉर्ट जो है वो कैसे ट्रिगर हो सकता था, देखिए जब भी गैप अप होता है ना, मैं आपको हमेशा कहता हूँ जब भी गैप अप होता है, गैप अप पे जो फर्स्ट कैंडल का लो होता है वो बहुत क्रूशल होता है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट है, बहुत लोग पूछते हैं संचित भाई को इंडिकेटर वगैरह बता दो यार, पिवट पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो यार। पिवट पॉइंट मैं ट्रेडिशनल यूज़ करता हूँ, फिबोनाची वगैरह कुछ नहीं, और ऑटो को मैं जो है वो रखता हूँ, बहुत प्यारा आपको जो है वो लेवल्स जो है वो निकाल के दे देता है। अगर आप बिल्कुल बिगेनर हो तो ये आपकी लेवल फाइंडिंग में थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, ठीक है, थोड़ा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बता देता है, ये आपकी हेल्प हो जाती है स्पेशली ट्रेंडिंग मार्केट में, कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे आप जो है पोजिशंस ऐड कर सकते हो स्पॉट में, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प हो जाती हैं इस वजह से। तो R3 से रिजेक्शन आया, जैसे ही R2 ब्रेक हुआ एक लीनियर फॉल डाउन साइड का हमें देखने को मिला। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सपायरी पे क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेटा वाइज मैं अगर मैं देखता हूँ निफ्टी का डेटा, 0.76 का पुट कॉल रेशियो अभी भी न्यूट्रल है, इसका मतलब अभी भी जो कॉल और पुट राइटर है उनमें बराबरी का मामला निफ्टी में। बट बैंक निफ्टी का डेटा इज़ वेरी सरप्राइजिंगली वीक, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का डेटा स्ट्रांग था, बैंक निफ्टी वाज अ स्ट्रॉन्गर इंडेक्स। आज के दिन अगर आप देखो 0.58 का पुट कॉल रेशियो हायर लेवल्स पे 44,500 से लेकर 45,000 तक दबा के कॉल राइटिंग जो है वो हो रखी है हर लेवल्स पे, बहुत अच्छी क्वांटिटी में। अगर आप ये जो ग्रीन बार्स देख रहे हो, बहुत प्यारी कॉल राइटिंग जो है हमें हायर लेवल्स पे दिखाई दे रही है। ऑन द डाउन साइड में 44,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में इधर बना हुआ है। तो अब हमें ट्रेड प्लान करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले एक बार के लिए मैं पिवट पॉइंट हटा देता हूँ आप लोगों के लिए। एक चीज़ जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, चाहे आप 5 मिनट टाइम फ्रेम ले लो, चाहे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम ले लो, देर इज़ अ ट्रेंड लाइन गोइंग ऑन, ठीक है, यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है और एग्जैक्टली इस पे आगे बाजार रुका है। आज जो है बाजार ने इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही रेंज में हायर एंड में ब्रेक डाउन दिया, लोअर एंड टेस्ट किया। तो अब जो एक लेवल आपको ध्यान में रखना है कल के लिए, US में तो क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, बट अगर 19,300 का लेवल ब्रेक डाउन होता है डाउन साइड में, तो हम लोगों को एक नेक्स्ट सेल ऑफ का ट्रिगर जो है वो आ सकता है 19,300-20। मैं ये 20 पॉइंट का आपको जो है वो लेवरेज मांगूंगा आपसे, ये 20 पॉइंट आपको देख के रखना है 19,300 से 280। अगर 19,280 के नीचे एक भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज अपने को मिलती है आइदर थ्रू अ गैप डाउन और समथिंग, हम लोग उसके बाद ही यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, वरना 19,300 से 280 का रेंज एक सपोर्ट लेवल है। दोबारा से मार्केट बाउंस करके दोबारा से 400 की तरफ जा सकता है, जैसा मार्केट करते हुए आ रहा है। तो 19,380 से 280 के नीचे जाता है शॉर्ट करेंगे अपन। टारगेट्स अपन क्या लेके चल सकते हैं 19,226 के, इसके ऊपर हम लोग जो है वो नज़र रखेंगे। ऑन द हायर साइड में अगर जैसा मैंने बोला 200 EMA हमारे लिए एक रेजिस्टेंस होगा, और ये जो ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बनी है 19,380 के आसपास का, ये एक जो है वो रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर अगर कलम निकलते हैं दोबारा से लॉन्ग इनिशिएट करेंगे, टारगेट्स अपन क्या लेके चलेंगे अराउंड 19,470 के, इसके ऊपर हम लोग नज़र रख के चल सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, देखिए बैंक निफ्टी लेवल्स को तो बहुत प्यारे तरीके से फॉलो कर रहा है। अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ बैंक निफ्टी का, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही 200 EMA ब्रेक हुआ, जैसे ही हमारा 44,600 का लेवल ब्रेक हुआ, बाजार खुला तो सही 44,600 के ऊपर, बट फॉलो थ्रू नहीं आया। वही फर्स्ट 5 मिनट लो ब्रेक होता है, हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। EMAs ब्रेक होती हैं लाइक 21 और 50 EMA ब्रेक हुई, तो हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे EMA का पैटर्न बहुत प्यारा बना, एंड जैसे ही 44,600 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगा, जो 44,500 के पुट राइटर्स थे वो ट्रैप हुए, और 44,500 के पुट राइटर्स ट्रैप होने की वजह से एक अनवाइंडिंग मूव डाउन साइड में हमें देखने को मिला है। अब ये कितना सीवियर हो सकता है
वो देखना होगा, क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने बहुत दिनों बाद वीकनेस, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस जो है वो शो करी है। आज रिलायंस ने बेटर परफॉर्म किया, आज अपना आईटी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया ड्यू टू नैसडैक। तो बैंक निफ्टी पे अब हमें नज़र रखनी है। एक लेवल जिसके नीचे बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा वो है 43,950। अगर 43,950 के नीचे जाता है, अभी आप कहोगे 200-250 पॉइंट दूर है, उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ अगर 43,950 के नीचे जाता है तो हम लोग एक पोजिशनल शॉर्ट फॉर द नेक्स्ट वीक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम लोगों को एक 43,675 तक की जगह जो है वो दिखाई दे जाएगी। इसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी में डेटा काफ़ी वीक है। ऑन द अपसाइड में 44,330 से लेकर 350 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो हम लोग एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे और टारगेट्स अपन दोबारा से 44,600 के आसपास के लेके चलेंगे। तो लेवल्स को फॉलो करिए यार, बहुत प्यारे तरीके से आज मार्केट ने लेवल्स को फॉलो किया है, तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ी नज़र रख सकते हैं। बट ऑनेस्टली जो आखिरी के 1.5 घंटे का मूव था, जो इतना सीवियर फॉल था, इसको कैप्चर कर पाना वॉज वेरी डिफिकल्ट ऑन द डाउन साइड में, स्पेशली ऑप्शंस के थ्रू, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे। तो अगर आप फ्यूचर्स में करते हो तो बेहतर रहता, ऑप्शन सेलिंग करते हो तो बेहतर रहता आज के दिन का। हायर लेवल्स पे कॉल सेलिंग वुड बी मच बेटर, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम्स वर फ्लक्चुएटिंग लाइक क्रेजी। आई थिंक 19,400 का पुट मैंने 35 पे देखा था, वो 80 तक गया, देन सडनली 60 पर आया। तो इस तरीके से फ्लक्चुएशंस को झेलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, स्पेशली जब विक्स हमारा 12 के नीचे चल रहा हो तो थोड़ी दिक्कत ऑप्शन प्लेयर्स को स्पेशली आ रही है। तो मैं प्रिफर करूँगा आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाएँ इस मार्केट में, या फिर फ्यूचर्स की तरफ जाएँ, वो बेटर होगा। वरना स्टॉक स्पेसिफिक रहिए यार, स्टॉक स्पेसिफिक कैश में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। कोई सेटअप वगैरह अगर बनेगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर इट आप लोगों के साथ। अगर मैं पर्सनली कोई स्टॉक वगैरह में पोजीशन वगैरह अगर जो है वो मेरे को बनानी होगी या सेटअप मेरे को अच्छा लगेगा तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे स्टॉक्स के बारे में। ऑलराइट, रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस यार आज के दिन अगर आप देखो तो कुछ खास इसने किया नहीं है, मतलब एक ऊपर गया था हायर लेवल पे, बट 200 EMA के आसपास से रिजेक्शन लिया इसने एंड दोबारा से लोज पे आके बंद हो गया। तो अगर 2400 के नीचे जाता ना तो बड़ा ट्रेंड रिलायंस में मिलेगा डाउनसाइड का, ठीक है। ICICI बैंक ने आज ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी है। कल मैंने आपको बोला था जितना आप 978 के पास बेचेंगे उतना बेहतर है। हाई आज का लगा 976, लो आज का 958, तो बहुत प्यारा लेवल्स को फॉलो किया है। कल अगर 955 के नीचे ये ट्रेड करने लगता है तो हमें 940 तक की जगह जो है वो ICICI बैंक में दिख जाएगी। HDFC बैंक की बात करता हूँ, अगेन मैंने आपको एक लेवल दिया था 1598, जितना आप इसके पास बेचेंगे बेहतर रहेगा। आज का हाई 1598 से 1600 के आसपास का लगा है, यहाँ से हाई पे जो है वो सेलिंग आई। अब सपोर्ट कहाँ पे है, अब बड़ा सपोर्ट ना इसका जो एक निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1570 पे। तो 1570-1572 के नीचे अगर जाता है तो 1555 की तरफ हमें HDFC बैंक आता हुआ दिखाई दे सकता है। बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस रेंज में ही फंसा हुआ है, जैसा मैंने कल आपको एक रेंज दी थी 7360 ऑन द हाई साइड, 7200 ऑन द डाउन साइड। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी, रेंज को प्ले कीजिए, हाई लेवल्स पे बेचिए, लोअर लेवल्स पे बाइंग आएगी। आइदर साइड रेंज ब्रेक हो यू कैन ट्रेड इट। एक्सिस बैंक की बात करते हैं। एक्सिस बैंक ने अगेन जो है वो फेक आउट दिया। आई थिंक एक बहुत बड़ा रेंज इसने निकाली थी आज, उसके बाद R2 पे इसने बड़ा रिजेक्शन लिया। 1000 का लेवल जो बोलते हैं ना साइकोलॉजिकल एक लेवल होता है, वहाँ से बड़ा रिजेक्शन लिया एंड ब्रेकडाउन ब्रेकआउट फेलियर किया हमें एक्सिस बैंक ने। तो अब एक्सिस बैंक को अगर मैं ध्यान से देखूं तो काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। 980 के नीचे अगर एक्सिस बैंक निकलता है तो एक अच्छा खासा फॉल हमें 965 तक जो है वो देखने को मिल सकता है। 10-12 रुपये का फॉल हमें एक्सिस बैंक में भी मिल सकता है। दोबारा बाइंग अब कहाँ पर आएगी, अगर एक्सिस बैंक 988 के ऊपर निकलता है तो दोबारा एक अच्छी बैंक आ सकती है। तो इसके ऊपर हम लोग नज़र रख के चल सकते हैं। अगर कोई आपके स्टॉक्स हैं जिनका आप चाहते हैं मैं रोज एनालिसिस करूं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कल मैं उन स्टॉक्स को ले लूँगा और ज़्यादा स्टॉक्स ऐड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।